वहीं रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन पर 9/11 की तर्ज पर रूस हमला करेगा। रूस ने क्रिमिया हमले को आतंकी बताया और आतंकियों को मारने के लिए 9/11 की तरह रूस हमला करेगा। क्या क्रीमिया पर हमला होने के बाद रूस उसी तरह यूक्रेन को जवाब दे रहा है जैसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिया था? रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि क्रीमिया के हमले को पुतिन अब आतंकी हमले के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन पर 9/11 की तर्ज पर हमला कर रहे हैं। कीव सहित यूक्रेन के अलग अलग शहर में बरसाई गई मिसाइलें इसी बात के संकेत दे रहे हैं कि पुतिन क्रीमिया के हमले को आतंकी हमला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेदवेदेव ने बताया कि पुतिन क्रीमिया के हमले को आतंकी हमला बताकर यूक्रेन पर हुए हमलों को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे। पुतिन दुनिया को बताएंगे कि क्रीमिया पर आतंकियों ने हमला किया था। दिमित्री ने कहा कि रूस वही कर रहा है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता आया है और रूस के लोग भी यही चाहते हैं कि पुतिन क्रीमिया में हुए हमले का बदला लें। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के हमले के एक महीने के भीतर अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। रूस अभी इसी हमले की याद दिलाकर यूक्रेन पर हुए हमले को जस्टिफाई कर रहा है।